दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टायर फटने से कैसे बचा सकते हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस से कैसे कम हो सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, रोड पर गाड़ी जाते हैं, अचानक से टायर फट जाता है और गाड़ी पलट जाती है। इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है टायर फटने से। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो उन्हें फॉलो करके आप अपने टायर फटने से रोक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, रोड पर जब आप चलते हैं तो आपके टायर फटने की वजह से ज्यादा गाड़ी पलटती है। जब टायर फटता है आपका तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। डिसबैलेंस होने के बाद में तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देख लो, ऊपर वाला ना करे कभी आप साथ में ऐसा हादसा हो जाए। ये किसी के साथ में हुआ भी हुआ है तो दोस्तों किसी के साथ में भी हो सकता है। बस हमें क्या करना है, अपने टायरों को कुछ चीजें चेक करनी है जिनसे हमें आगे की पता चल सके। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, हमें सबसे पहले चेक करना है हमें इसके टायर की जो डेट होती है। अब आप बोलोगे टायर पे डेट कैसे चेक करेंगे हम, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, जब ज्यादा टायर पुराना हो जाता है, कई कई साल देखे टायरों को हो जाते हैं, तो टायर सूख जाता है। सूखने की वजह से जब टायर रोड पर चलता है तो इसके फटने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। पहले देखिए अब इस फोटो को, इस पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है टायर पे। आप अपने टायर पे चेक कर सकते हैं। ये आगे की छोड़ दिए, पीछे के चार आपको देखने हैं, यानी 4722। 4722 का मतलब ये है कि 47 वीक और 22 एयर, यानी 2022 का टायर बना हुआ है ये। ये दूसरे फोटो में देखें 4723, ये 47 वीक और ये 2023, यानी कि 23 लिख रहे हैं, ये 2023 का टायर हो गया। और नीचे आप देखेंगे 0124, यानी कि 2024। ये आप पीछे का जो होता है वीक होता है, जो आगे का जो होता है ये साल होता है, यानी आपका टायर कौन से साल का बना हुआ है। इससे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका टायर कितने साल पुराना है। दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम सीमेंटेड रोड पर चलते हैं ना, इस पर टायर फटने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। जब भी आपकी गाड़ी ओवर स्पीड में होती है ना, इस पर जो सीमेंटेड सड़क जो होती है, इस पर टायर ज्यादा गर्म होते हैं। ज्यादा गर्म होने की वजह से फटते हैं। और इस पर जो लाइन आपको दिखाई दी, लाइन भी होती है कुछ, इसमें गड्ढे से लाइन की तिरछी लाइन होती है, तो इसमें इसकी आड़ में आके भी टायर फट जाता है। तीसरी बात दोस्तों, आप जब भी टायर में हवा चेक करवाएं तो दोस्तों आपको हवा ज्यादा नहीं रखनी। मिक्स मैक्सिमम आपके जो ट्रकों में कंपनी देती है 120 देती है, तो जो रेडियल टायर होते हैं आप उनमें 160 रख सकते हैं, 70 रख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं करनी है आपको टायर। और जो ये सादे टायर होते हैं, सादे टायरों में आपको 20 पॉइंट कम रखनी है। जो फ्रंट टायर है, जैसे पिछले वालों में टायरों में आपने हवा रखी 160, आगे वाले जो फ्रंट के टायर होते हैं उनमें आपको 20 पॉइंट कम रखनी है। रेडियल हो या सादे हो, उनमें भी आपको 20 पॉइंट कम रखनी है आगे वालों में। दोस्तों, आपकी गाड़ी के टायर जो होते हैं, एक तरफ से कम और एक तरफ से ज्यादा तो नहीं खा रही है। ऐसा तब होता है जब आपकी गाड़ी का एलिमेंट आउट हो जाता है, तो आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये भी एक कारण है टायर फटने का। और आपकी गाड़ी में बबल तो नहीं आ गए हैं, अगर आपकी गाड़ी में बबल आ गए हैं, एयर आ गए, ये भी एक कारण हो सकता है आपके टायर फटने का। और दोस्तों, आपकी गाड़ी कभी भी जब स्पीड में होगी ना, जब आपके टायर ज्यादा फटने के चांस होते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्पीड आप चलते हैं, अगर टायर हल्का भी है तो नहीं फटेगा, अगर आप तेज स्पीड में लेके जाएंगे तो आपका टायर फट सकता है। एक बात और, जब आपकी गाड़ी के पत्थर आ जाता है, आपकी गाड़ी के नीचे टायर के पत्थर आ जाता है, अगर पत्थर पहिया चढ़ जाता है और उस पर ब्रेक मार देते हैं, तो टायर फटने के चांस जब भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, लास्ट में अब एक बात और, ये जो आप रिपेयर टायर डलवाते हैं ना, इनसे थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये टायर जो गंजे होते हैं, तो इन टायरों पर रबड़ चढ़ा के इनको बिल्कुल नया जैसा कर दिया जाता है, आपको देखने में ऐसा लगता है। हालांकि आपको कुछ सस्ते दामों मिल सकता है ये मार्केट में, तो दोस्तों इन टायरों को अवॉइड करना चाहिए। और आप लेना ही है तो आप फ्रंट में बिल्कुल न लगाएं, ये ना पीछे वाले साइड में ही लगाएं इन टायरों को। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।